जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करेंगे 13 अक्टूबर 2022, आज क्या खास खबरें रही हैं न्यूज़पेपर में, उसके बारे में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और छत्तीसगढ़ के लेवल पे क्या महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक आसान सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। जिनका भी आंसर सही रहेगा उसको मैं हार्ट रैक दे दूंगा। पूछ रहा है प्रश्न में, भारत के द्वारा जीपीएस का स्थान लेने के लिए किसे विकसित किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा, आज आप कहीं पे भी रास्ता खोजने जाते हैं, अपने लोकेशन देखने जाते हैं, मोबाइल फोन पे आपका रहता है जीपीएस, है ना। ये जीपीएस क्या करता है, आपकी सहायता करता है अलग अलग रास्ते में, आपकी पोजीशन कहाँ है पर्टिकुलर किसी सड़क पे, उसके लिए। तो ये एक केस था जब हमारा वॉर चल रहा था, उस समय हमने अमेरिका से सहायता मांगी थी कि हमारे सेना के लिए जीपीएस की सहायता कीजिए, आप जीपीएस दीजिए जिससे हम अपने सैनिकों की जान बचा सके। तो उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था, तब से भारत लगा था कि हम भी अपना कुछ ऐसा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बनाएंगे कि पर्टिकुलर कहां पर है। इसको विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। और खास बात अभी निकल कर क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी की यदि बात की जाए तो एक्यूरेसी में जो हमारा आज रहने वाला है जीपीएस को भी पछाड़ चुका है। जीपीएस जहां पर 20 मीटर एक्यूरेट आपको पोजिशन बताता है, ये 5 मीटर तक की एक्यूरेट पोजिशन बचा देगा। इसका दो यूज हो जाएगा, एक सेना के लिए हमारा यूज हो जाएगा जो सेना यूज करेगी, इसके अलावा लोकल यूज हमारे जनता के लिए हो जाएगा, पर्टिकुलर सड़क मार्ग जाने के लिए या रास्ता खोजने के लिए, पोजीशन पता करने के लिए, जिस प्रकार से आप गूगल मैप्स का प्रयोग करते हैं वैसे ही आपको दिखने वाला है। तो प्रश्न में यह है कि उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास नाविक, आईपीएस, यात्री या इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी सही आंसर देगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको हार्ट रिएक्ट कर सकूं ताकि बाकी लोग भी समझ सके सही आंसर क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहली खबर निकल कर आ रही है ये संविधान से थोड़ी जुड़ी हुई है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो संविधान के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, इसी में आया है। नोटबंदी का सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण, कहा लक्ष्मण रेखा पता है पर यह जरूरी है। ओके, जनरली क्या है, आप सभी को पता होगा वर्ष 2016 की बात है, 8 नवंबर 2016 केंद्र सरकार ने क्या किया था, 500 और 1000 के नोट के क्या कर दिए थे, एक तरीके से बंद कर दिए थे, बोले थे अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ये पूरी करेंसी बंद हो जाएगी और नए सिरे से नोट जारी किए जाएंगे। तो इसी के ऊपर फैसला हो रहा है, इसी के ऊपर बहुत सारी याचिकाएं लगी थी जिसमें सुनवाई हो रही है। तो अगर हम लोग जाएंगे तो देखिएगा इसमें क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीतिगत फैसलों की न्यायिक जांच की समीक्षा को लेकर वह अपनी लक्ष्मण रेखा से वाकिफ है, हालांकि 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल करेंगे ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। ओके, नॉर्मली सी बात कर रहे हैं। अगर देखा जाएगा इस चीज में तो क्या बोलता है, 5 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि नोटबंदी की न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है या नहीं, इसका जवाब देने के लिए हमें सुनवाई करनी होगी। ओके, क्या ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इसको जांचना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के नीतिगत फैसले पे है या नहीं है। अब कई लोग जो 500 या 1000 का मान के चलिए आपके पास कोई पुराना नोट रह गया है और आप वापस करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देती है और पुरानी करेंसी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मली ये चीज बताई जा रही है कि आरबीआई एक एक्ट होता है, 1934 में आरबीआई कानून बना था, तो आरबीआई कानून के तहत हम लोग काम किए थे। तो इसी में बोलता है कि नोटबंदी के लिए अलग कानून की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी जानकारी ली जा रही है कि अगर आपको पूरा नोट बंद करना है तो इसके लिए एक अलग कानून लाना पड़ेगा, ये नॉर्मल एक्ट से चल जाएगा, केवल यही चीज की जानकारी ली जा रही है। तो हल्का सा याद रखिएगा क्या होने वाला है, आज इस पे फैसला आएगा और बाकी धीरे धीरे केस चल रहे हैं, कल की टिप्पणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर हमारी जुड़ी हुई है कफ सिरप से रिलेटेड। आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम हम लोग कवर अप करे थे कि अफ्रीकी देश जो है गाम्बिया, वहां पर 66 बच्चों की मौत हुई थी। इसमें बोला गया कि भारत में जो 4 कफ सिरप है इनके चक्कर में ये चीज हुई है। अब यहां पर जब वापस शुरू हुई जांच शुरू हुई भारत के अंतर्गत, तो कफ सिरप में 12 खामियां मिली है कि हाँ पर्टिकुलरली हमारे यहाँ से थोड़ा बहुत इश्यू हुआ है जिसमें 12 खामियां मिली है। और ये कहाँ की थी, तो मेडन फार्मा थी, मेडन फार्मा कंपनी की पूरी कफ सिरप थी जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो सरकार ने क्या किया है, अभी इसका निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया है और कंपनी को सील कर दिया है। मतलब अब ये कंपनी में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और अगर अभी कोई प्रोडक्शन इस कंपनी के द्वारा किया भी जाएगा तो वो निर्यात नहीं कर पाएगी, निर्यात लाइसेंस को पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो सरकार ने तुरंत एक कदम उठाया है जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। ये प्रश्न क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, महंगाई कम करने के लिए आरबीआई विफल, सरकार को देना होगा जवाब। ओके, तो जनरली क्या होता है, आप सभी को पता होगा जो भी हमारी महंगाई रहती है उसको 2 से 6% विकासशील देश पर्टिकुलर भारत के लिए 2 से 6% यदि महंगाई है तो इसको इष्टतम दर कहा जाता है महंगाई की। इससे कम है तो अर्थव्यवस्था में बुरा इफेक्ट पड़ता है, इससे ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था में बुरा इफेक्ट पड़ता है। अभी क्या हुआ है तो देखेंगे,
तो 7.56% गांव की आपको देखने को मिलती महंगाई दर और 7.27% शहरों की महंगाई दर मिलती है। ये लगातार आरबीआई जो कंट्रोल करता है महंगाई को, इसमें फेल हो रहा है। तो इसी के ऊपर आरबीआई जो है सरकार को दबाव जवाब देने वाला है, उसी के बारे में बात की जाती है। अब आरबीआई सरकार को जवाब क्यों दे रहा है उसके बारे में भी यदि बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, महंगाई के लगातार 9वें महीने में संतोषजनक स्तर से ऊपर रहने के बीच आरबीआई को अब केंद्र सरकार को रिपोर्ट देकर इसका विस्तार से कारण बताना होगा। रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि वह महंगाई को तय दायरे में रखने में क्यों विफल रहा और उसे काबू में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो लगातार 9 महीने से जो सरकार ने टारगेट दिया है कि आप 2 से 6% के बीच में महंगाई रखो, आरबीआई उसमें विफल रहा अपनी नीतियों के द्वारा और 6% इसका ऊपर में ही आ रहा है। और आरबीआई अधिनियम के अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई अधिनियम के तहत महंगाई के लक्ष्य को यदि लगातार 3 तिमाहियों में हासिल नहीं किया गया तो आरबीआई को केंद्र सरकार को रिपोर्ट देकर उसका कारण व महंगाई कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होती है। 3 तिमाही का मतलब क्या है? जैसे पहली तिमाही हुई, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, लगातार 3 तिमाही, मतलब यदि आप लगातार 9 माह तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो सरकार ने जितना लक्ष्य दिया। सरकार हमेशा 2 से 6% लक्ष्य रखेगी महंगाई का। अगर आप सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य को कवर अप नहीं कर पाते हो तो आरबीआई एक्ट 1934 में ही ये चीज लिखा गया है कि आरबीआई को बताना पड़ेगा कि वो क्यों फेल रहा है, साथ ही साथ उसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। इसके बीच में बात की जाए कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली है, तो आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में महंगाई की दर सबसे ज्यादा रही है, लगभग 8% से 9%। जबकि यदि बात करेंगे सबसे सस्ते कहाँ थे जहां पे महंगाई कम बढ़ी है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और बिहार में सबसे कम महंगाई वाले राज्य थे, जहां पर 4.03% से 6.38% के बीच में रही है। जब हम लोग ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, इस चीज को ध्यान पे रखिएगा। बाकी सब चीजों की वस्तुओं में महंगाई दर दिया हुआ है, जिसमें आपको दिखेगा अनाज का जो मूल्य है 11.53% के हिसाब से बढ़ा है, मांस मछली का 2% से, दूध का 7%, सब्जी 18%, दाल 3%, मसाले 16%, एक अंडा ही आपको दिखेगा जिसमें महंगाई दर ऋणात्मक थी। अब इसके बाद अगर देखेंगे जैसे ठंड आती है, अंडे की में भी महंगाई दर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे खबर में बढ़ेंगे। ये खबर जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला था, इसमें कल एक खबर निकल कर आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो भी बाहर के नागरिक है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या फिर आपका जिनके पास स्वयं का कहीं नागरिकता नहीं है, जो बाहर से आए हैं शरणार्थी हो, यदि वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 1 वर्ष से ज्यादा रह चुके हैं, 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज्यादा रह चुके हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर में मतदान देने का अधिकार दिया गया था। एक ऐसा आदेश पारित हुआ था। अब इस आदेश के खिलाफ जो है पूरे जो दल है विपक्ष वाले, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, पीडीपी की बात कर लीजिए, ये सभी ने बोला था ये खिलाफ है, ये गलत है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों के हकों को ये मारेंगे। ये एक आदेश आया था। अब इस आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। तो यही चीज लिखता है, 1 वर्ष से जम्मू में रह रहे नागरिकों को, बेघर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने के मामले में तूल पकड़ते देख सब प्रशासन ने संबंध में आदेश जारी करके देर रात इसे वापस ले लिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपायुक्त ने, अन्य किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। ये आदेश वापस आ गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। केंद्र सरकार इसके पक्ष में थी क्योंकि वो चाहती उस हिसाब से सरकार बने, उस हिसाब से मजबूती मिले, बट यहाँ पर देखा जाएगा तो फिर वही बात आ जाती है, अंदर और बाहर की राजनीति। जम्मू कश्मीर वाले बोलते हैं कि हमको हमसे अलग ही रखो, बाकियों से अलग रखो, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो चीजें थी, जो आदेश आया था, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल से रहते हो और आप वहां पे वोटिंग दे सकते हो, आपको वहां पर तहसीलदार से इसके लिए आपको लिखित में या बोलते हैं आवेदन करके उस चीज का मतदाता सूची में अपना नाम जारी करना था। चलिए, ये आदेश वापस हो गया है तो अभी कोई बात नहीं करेंगे इस पे। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मुक्केबाज लवलीना बनी विजेता, सेना ने 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर रही। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं आप लोगों की स्क्रीन में, ताकि जहां पे हम लोगों को देखना है वहां पे देख सके। तो जूम इन करते हुए देखेंगे तो राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन में सेना का दबदबा रहा, ये बात बोलता है। अगर देखोगे तो सेना ने 6 में से 5 मुक्केबाजों ने स्वर्ण जीते हैं। ये जो नेशनल खेल्स हो रहे थे 36वें संस्करण के, उसके रिजल्ट के बारे में पूरी बात करता है। ओवरऑल हम लोग रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं। याद रखिएगा, शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने, समापन समारोह में आए जगदीप धनखड़ जी, हमारे उपराष्ट्रपति। अगर ओवरऑल देखेंगे किसने ज्यादा जीते हैं, यहां पर आ जाइएगा, आपको सबसे ज्यादा सेना के दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि सेना की कोई टीम नहीं उतरती, सेना की, रेलवे की, ये सब की टीम उतरती राज्यों के साथ। तो सेना ने सबसे ज्यादा 61 स्वर्ण जीतकर टॉप पे रहे हैं, फर्स्ट रैंक पे आते हैं। कुल 128 मेडल जीते हैं,
महाराष्ट्र ने 39 पदक जीते हैं, टोटल 140 पदक जीते हैं, 39 स्वर्ण है, 140 पदक जीते। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि टोटल पदकों में तो महाराष्ट्र की संख्या ज्यादा है, फिर हम लोग कैसे बोल रहे सेना टॉप में है। तो जिसके भी गोल्ड सबसे ज्यादा होते हैं कभी भी प्रतियोगिताओं में उसको टॉप पे रखा जाता है। तो सेना फर्स्ट पे है, राज्यों की सूची में महाराष्ट्र टॉप नंबर पे आता है 39 स्वर्ण के साथ, फिर हरियाणा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब, ये आपको देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए टोटल ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। ये हमारा किस चीज का है, पूरा पूरा नेशनल गेम्स का है। इसी में यदि बात की जाएगी तो सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में दो लोगों का नाम आएगा, लड़कों में आएगा साजन का और हसीका आएगा लड़कियों में। तो अगर देखा जाए तो तैराकी में 6 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाली कर्नाटक के तैराक हाशिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला और 5 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य जीतने वाले केरल के तैराक पुरुष साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। तो इन दोनों का नाम हम लोगों को याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल गेम से रिलेटेड ही है। बिलासपुर की पूनम है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। तो किसमें है तो देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में, जिसका शुभारंभ 29 सितंबर को किया गया था। इस खेल को देश के कोने कोने खिलाड़ियों ने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें अभी तक कई प्रतियोगियों ने जीत का सहरा अपने नाम किया। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की पेटक पूनम मनदीप कौर, इनका भी नाम शामिल हो गया है। बिलासपुर शहर की रहने वाली पूनम मनदीप कौर ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। याद रखिएगा 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में थी ये, और इसमें गोल्ड जीतती है। इनको एक बार चेक करेंगे, ये स्टेट के तरफ से थी या रेलवेज के तरफ से खेली थी, मेरे ख्याल से रेलवेज के तरफ से खेली हुई थी, बट चूंकि छत्तीसगढ़ की है तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही खबर है। ये क्या है तो जामगांव, रायपुर से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है ये जामगांव। इसमें महुआ कैंडी एनर्जी बार प्लांट और 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने वाला है। तो औद्योगिक केंद्र जब हम लोग पढ़ते हैं राज्य परिचय में तो ये एक नया नाम याद करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या है तो जामगांव में आयुर्वेदिक औषधि, जूस और महुआ के लिए अलग अलग उत्पाद तैयार करने के लिए बड़ा प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण इकाइयां यहां पर स्थापित की जाएगी। अभी जो भी हम लोग उत्पाद यूज करते हैं वो ज्यादातर बाहर से तैयार होता है, यहां पर उत्पादन शुरू होने से महुआ, इमली और दूसरे उत्पादों में भी अच्छे दाम संग्रहणकर्ताओं को मिलने लगेंगे, क्योंकि यहीं के यहीं इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी और यहीं पर हम लोग काम करेंगे। यदि बात की जाए, याद रखिएगा, कोशिश की जाएगी अप्रैल से इसका उत्पादन जो है शुरू हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आ रहा है कि अप्रैल से उत्पादन शुरू होने की संभावना है, क्या क्या होने वाला है तो देखिएगा, 4 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग उत्पादों के जूस जिसमें जामुन, बेल और एलोवेरा आदि शामिल है, इसके निकालने की स्थापना स्थापित की जा रही है। इसके अलावा एक्यूब्यूशन सेंटर, हर्बल एक्सप्रेस इकाई भी स्थापित होगी। तो एलोवेरा जूस, जामुन जूस, बेल जूस, ये सारा यहाँ से बना के बिक्री करने की संभावनाएं हम लोगों को दिख रही है। हो सकता है आगे ये अप्रैल से शुरू हो जाए। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो आप सभी को एक खबर पता होगी, नासा ने एक यान भेजा था अपना, क्या एक्सपेरिमेंट था तो जैसे आप लोगों को पता होगा डायनासोर की उत्पत्ति, जो डायनासोर विलुप्त हुए थे उसके सिद्धांत में क्या आता है कि एक एस्टेरॉयड आया, वो पृथ्वी से टकराया। अब पृथ्वी से टकराने के कारण जो सुनामी आई या फिर जो वातावरण में धूल वगैरह छिपी, पृथ्वी अगर अंधेरे से ढक गई, इसके कारण क्या हुआ, पूरे डायनासोरों का विनाश हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा एस्टेरॉयड पृथ्वी से दोबारा टकरा नहीं सकता, ऐसे में मानव प्रजाति या मानव को पूरा नाश होने का चांसेस रहेंगे। तो नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम कोई एस्टेरॉयड का मार्ग बदल सकते हैं, उस पर टक्कर देके, जैसे एस्टेरॉयड आ रहा है यहां से मैं अगर टक्कर देता हूँ तो क्या अंतरिक्ष में इसका मार्ग बदला जा सकता है। तो इसी के लिए एक यान भेजा गया था नासा के द्वारा, और नासा ने ये चीज देखी और एस्टेरॉयड को टक्कर मारी और वो एस्टेरॉयड का रास्ता बदल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जो है किसी भी एस्टेरॉयड का मार्ग बदल सकते हैं, जिससे भविष्य में हम लोग सिक्योर हो सके। तो यही चीज की खोज की गई थी और यही चीज अपने को देखने को मिली, जिसमें सफलता मिली है। अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान विज्ञान से नित नई खोज कर रहे मानव अब अंतरिक्ष में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने यान डॉट की टक्कर से पृथ्वी में लगभग 1.1 किलोमीटर दूर डिफोरस एस्टेरॉयड की कक्षा के मार्ग में बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो नाम याद रखिएगा डॉट, ओके। ये डॉट क्या था, आपका अंतरिक्ष यान था जिसके द्वारा टक्कर दी गई किसको, डिमॉर्फोस को, डिमॉर्फोस एस्टेरॉयड था, इसकी कक्षा में परिवर्तन किया है। इससे अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अब हमारे पास चांसेस ज्यादा है कि हम लोग सरवाइव कर जाए, हमारा कम से कम विनाश इस प्रकार से नहीं होगा जिस प्रकार से डायनासोरों का हुआ। तो इतना था आज की खबर के लिए। बाकी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट के अलावा आप टेस्ट सीरीज के पीडीएफ और हमारे जो लेक्चर आते हैं उसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजों का आज का जो था मैं टेलीग्राम में आप लोगों को भेज दूंगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं है, टेलीग्राम के चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आज की जो भी खबरें आई हैं उनकी फोटोज आपको वहीं मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त मैथ और रीजनिंग का यदि आपको वीडियो
चाहिए। तो 80 से ऊपर वीडियो है जो अलग अलग हम लोगों ने बनाए हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।